अगर इसकी डाउन पेमेंट की बात कर लूँ तो इसकी जो डाउन पेमेंट आने वाली है 49,400 रुपीज़ इसकी डाउन पेमेंट आने वाली है। तो आपका जो मंथली ईएमआई है 6,132 रुपये यानी कि 6,132 रुपीज़ इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है। वेलकम बैक टू द वीडियो और देख सकते हैं हमारे सामने प्रेजेंट है बजाज की पल्सर RS200 BS6 Phase 2 E20 वाली वेरियंट। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं इस बाइक के बारे में कि आपको इसमें फीचर्स क्या दिए गए, इसकी जो मंथली ईएमआई है वो क्या आने वाली है, डाउन पेमेंट क्या होने वाली है, ईएमआई क्या आने वाली है, सब कुछ आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो वीडियो बन रहा है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। चलिए वीडियो करते हैं स्टार्ट। बात कर लेते हैं अगर इसकी कलर की, तो देख सकते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट की कॉम्बिनेशन के साथ में आपको कलर देखने के लिए मिल जाती है। कुछ इस तरीके की आपको की दी गई है इस बाइक में। दोनों साइड से मैं आपको की दिखा दूं, दो की आपको मिल जाती है इस बाइक में। यहाँ पे इग्निशन को ऑन करते हैं तो यहाँ पे इसका जो DRL है वो ऑन हो जाता है, व्हाइट कलर की LED आपको देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर भी आपको LED में देखने के लिए मिल रही है, लेकिन हैलोजन में आपको हेडलाइट दिया गया है प्रोजेक्टर का, देख सकते हैं। बाकी देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको मीटर कंसोल देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे न्यूट्रल के लिए, इंडिकेटर के लिए, बैटरी के लिए, फ्यूल का आपको बताने वाला है, इंजन माल फंक्शन, यहाँ पे बजाज का लोगो, यहाँ पे RPM के लिए देखने के लिए मिल जा रही है, फ्यूल के लिए यहाँ देखने के लिए मिल जा रही है। इस साइड से यहाँ पे गियर बताने वाली है, टाइमर यहाँ देखने वाला है, स्पीड आपको यहाँ पे देखने के मिल जाती है, ट्रिप वगैरह सब कुछ आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जा रहा है। हाई RPM के लिए आपको यहाँ पे ऊपर में देखने के लिए मिल जाती है। तो इसे बंद करते हैं फिलहाल, और यहाँ पे देख सकते हैं कि फिलहाल जो बटन है उसके ऊपर भी आपको ब्लू कलर की लाइट देखने के लिए मिल जा रही है गाइस, दोनों साइड में, इसमें भी और इसमें भी। बाकी हैंडल देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको हैंडल देखने के लिए मिल जाता है। फ्रंट से आते हैं तो फ्रंट में आपको देख सकते हैं कि ट्रांसमिटर में बाजू बाजू देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन दिया गया है। कार्बन की फिनिशिंग के साथ में आपको मडगार्ड देखने के लिए मिल जाती है, ABS दोनों साइड में लिख करके आ रहे हैं, और दोनों साइड में आपको रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जा रही है। 300mm का आपको डिस्प्ले देखने के लिए मिल जाता है फ्रंट में, और यहाँ पे 180/17 की आपको टायर देखने के लिए मिल जा रही है। बाकी इस साइड से आते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि कलर जो है काफ़ी खूबसूरत में आपको वाइट कलर की देखने के लिए मिल जा रही है। ऊपर में जो फिनिशिंग दी गई है वाइट कलर की, ग्लॉसी वाइट में, और यहाँ पे 3D में लिख करके आ रहा है पल्सर। यहाँ पे कार्बन की फिनिशिंग देखने के लिए मिल जाती है, यहाँ पे रबर ग्रिप दी गई है, सीट स्प्लिट में आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे RS200 लिख करके आ रहा है, यहाँ पे आपको एयर जाने के लिए जगह दी गई है गाइस। रियर सेक्शन की बात कर ले तो रियर टेल लाइट देख सकते हैं कुछ इस तरीके का आपको देखने के लिए मिल जाता है। इंडिकेटर यहाँ पे दी गई है, नंबर प्लेट लगाने का लाइट आपको यहाँ पे मिल जाता है, वाइट कलर की LED दी गई है, और यहाँ पे नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन, रिफ्लेक्टर आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे मैं आपको इसको ऑन करके दिखा देता हूँ सारा जो लाइट वगैरह है। इंडिकेटर देख सकते हैं LED में देखने के लिए मिल जाए, टेल लाइट आपको LED में देखने के लिए मिल जाए, LED में आपको नंबर प्लेट लगाने का ऑप्शन यहाँ पे जो दिया गया है लाइट वो भी आपको LED में देखने के लिए मिल रहा है, रिफ्लेक्टर आपको। बाकी यहाँ पे अब इसके अगर इंजन की बात कर लूँ तो इसकी इंजन जो दी गई है 199.5 cc का आपको इंजन देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें फ्यूल इंजेक्टर इंजन सिस्टम दिया गया है, और इसकी जो ट्रिपल स्पार्क प्लग के साथ में ये बाइक आ जाती है, जिसमें 4-valve BS6 DTS लिक्विड कूल FI इंजन आपको इस बाइक में देखने के लिए मिल जाती है। इसकी जो मैक्स पावर दी गई है 24.5 PS की मैक्स पावर दी गई है, और इसकी जो मैक्स टॉर्क है 80.7 Nm का आपको टॉर्क देखने के लिए मिल जाता है, जो 8000 RPM पावर को जनरेट करता है। इसमें इसकी जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है आपको 13 लीटर के देखने के लिए मिल जाती है। इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है 157mm का आपको ग्राउंड क्लियरेंस देखने के लिए मिल जाता है। इसकी जो टोटल वेट दी गई 166 kg की आपको टोटल वेट इसमें देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पे मैं आपको रियर की सेक्शन की बात कर लूँ तो रियर में दिखा दूँ कि टायर जो दी गई है 130/70/17 की आपको रियर में टायर देखने के लिए मिल जाती है, और 220mm का आपको रियर में डिस्क देखने के लिए मिल जाता है गाइस। और अब बात कर लेते हैं इसकी EMI डाउन पेमेंट क्या आने वाली है। यहाँ पे पहले बात कर लेते हैं इसकी ऑन रोड प्राइस की, तो इसकी जो ऑन रोड प्राइस है 2,08,800 रुपीज़ इसकी ऑन रोड प्राइस आ रही है पटना बिहार में, उसमें आपको हाइपो का जो चार्ज है वो ऐड हो जा रहा है गाइस। मतलब इसकी जो प्राइस आ रही है 208,300 रुपये आ रही है, लेकिन 500 रुपये हाइपो का चार्ज ऐड होने पर आपको 800 रुपये हो जा रही है। तो हाइपो जो हो जाता है कि मतलब जब जिस बैंक से आप लोन करवा रहे हैं तो उस बैंक का जो नाम है
वो आपके ऑनर कार्ड के ऊपर छप करके आ जाती है, तो उसे ही हाइपो बोलते हैं। पहले ये चीज़ नहीं थी, लेकिन अब आपको 500 रुपया इसका अलग से पे करना पड़ता है। अगर इसकी डाउन पेमेंट की बात कर लूँ तो इसकी जो डाउन पेमेंट आने वाली है 49,400 रुपीज़ इसकी डाउन पेमेंट आने वाली है, और इसकी मंथली ईएमआई है जो 12 महीने के लिए अगर आप इसे लोन करवाते हैं तो उसकी जो मंथली ईएमआई है 15,000 के आसपास आपको मंथली ईएमआई आने वाली है 12 महीने के लिए। और वहीं पे अगर आप इसे लोन करवाते हैं 24 महीने के लिए तो उसकी जो मंथली ईएमआई है 8,300 रुपये आपको मंथली ईएमआई आने वाली है, 8,300 रुपीज़ इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 24 मंथ के लिए। और वहीं पे अगर आप इसके 36 मंथ के लिए लोन करवाते हैं यानी 36 महीने के लिए, तो आपका जो मंथली ईएमआई है 6,132 रुपये यानी कि 6,132 रुपीज़ इसकी मंथली ईएमआई आने वाली है 36 मंथ के लिए गाइस। बाकी अगर कोई भी जानकारी चाहिए तो यहाँ पे ये जो चीज़ है देख लेना, ये मुझे यहाँ से मिला है ईएमआई का जो भी डिटेल है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट देख कर ले करके देख सकते हैं, आराम से इसे पढ़ सकते हैं। और कोई भी जानकारी चाहिए तो मुझसे कमेंट करके पूछ लेना। यही थी आज की वीडियो, आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना इसी तरह के वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।